राखी में कुछ मीठा हो जाए। इस रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए कई सारे मिठाई का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये खीर का रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनेगा, फटाफट तैयार होगा और आपको एकदम खोआ जैसे टेस्ट देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंदिनीस किचन। तो चलिए बनाते हैं आज का ये खीर। यहाँ पे मैं ली हूँ चावल, अरवा चावल है और जो फ्लेवर वाला चावल है वो है। यहाँ पे मैं 3 मुट्ठा चावल ली हूँ और ये कटोरी में इतना हुआ है और 1 लीटर दूध से हम बनाएंगे इसको। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डालेंगे। इसको हम आज बनाएंगे इस प्रेशर कुकर के अंदर। ये बड़ा वाला प्रेशर कुकर है, 5 लीटर प्रेशर कुकर है। चावल को अच्छे से धो के मैं साफ़ करके छलनी में छान ली हूँ और यहाँ पे मैं ली हूँ 2 टेबलस्पून घी और उसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा चीनी। चीनी कलर लाने के लिए हम डालेंगे, थोड़ा सा जैसे कलर आने लगे, हमको जलाना नहीं है, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और तेज़पत्ता मैं यहाँ पे ऐड की हूँ फ्लेवर के लिए। चावल में ऐसे भी फ्लेवर है। इसको ज़्यादा देर तक हम भुनेंगे नहीं, चीनी हमारा जल जाएगा और उसमें एक कड़वाहट आ जाएगा, तो उसके लिए हम ज़्यादा भुनेंगे नहीं। उसके ऊपर हम जो छलनी में छान के रखे थे चावल, उसको हम ऐड कर देंगे और हल्का सा हम इसको भून लेंगे। 1 लीटर दूध को मैं पहले से उबाल के रखी हूँ। ये फ्रिज में रखा हुआ दूध था, ऊपर से हम मलाई तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसका। इसको मैं बॉईल करके रखी हूँ ताकि ये और भी जल्दी हो जाए। इसके अंदर आप ठंडा दूध चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची को कूट के डाली हूँ और ये गर्म किया हुआ दूध है तो इसको मैं इसके अंदर डाल दी और इसको एक बॉयल आने के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये ऑलरेडी गर्म है तो फटाफट इसमें बॉयल आ जाएगा। गैस का फ्लेम को मैं यहाँ पे हाई रखी हूँ। इस खीर को आप अगर बड़ा प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो सही रहता है, नहीं तो ये बाहर निकल आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर, अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक, ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। खीर को ऐसे हम प्रेशर कुकर में बनाने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। खोआ नहीं डालेंगे लेकिन इसमें टेस्ट खोआ का ज़रूर आएगा और वो बहुत जल्दी बन जाएगा। दूध में बॉयल आने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम को मैं हाई रखी हूँ, इसमें प्रेशर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। प्रेशर बस आ चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम को एकदम लो कर दूँगी और 2 सीटी आने तक मैं इस प्रेशर कुकर में उसको छोड़ दूँगी। 2 सीटी आने के बाद हम प्रेशर रिलीज़ होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे। आप बड़ा प्रेशर कुकर लेंगे तो आपको ये दूध बाहर आने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और अगर आप छोटा प्रेशर कुकर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो दूध बाहर आ जाता है। तो देखिए ये तैयार हो चुका है हमारा खीर, कितना जल्दी तैयार हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका जो टेस्ट है ना एकदम अमेजिंग रहेगा और तैयार तो एकदम फटाफट हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तेज़पत्ता का फ्लेवर इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ, और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऊपर से और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ऐसे फटाफट और यमी रेसिपी और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल बटन में क्लिक करें। जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप देखिए, घर में बनाइए और उसका मज़ा लीजिए। थर्सडे और संडे को छोड़ के मैं इसमें हर रोज़ रेसिपी अपलोड करती हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद अकेले रेसिपी का मज़ा मत लीजिए। फिर मैं कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बाय।